रूल सेट किया गया है, आपके पास गेंद, पहली गेंद डालने के अलावा आप बॉल को घस नहीं सकते, तो उस रूल का फायदा उठाते हुए टिंकू एक गेंद एक रन, रोमांचक यह मुकाबला, क्वार्टर सेमीफाइनल, बेस्ट बनाम बेस्ट का यह मुकाबला, जोगेश्वरी बनाम मलाड का यह मुकाबला। अगली गेंद डब्बू की, फ्लैटेड बॉल, खेलना चाहते थे इसे लेट कट पॉइंट की साइड में और बॉल आती हुई डॉट। इंटर का आउटर खेल सकता है पागल, नहीं 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 खेल सकता ऐसा नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं खेल सकता। दो बॉल एक ना तो दो बॉल यहां पे एक रन, शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज, एक शानदार ये टूर्नामेंट, एक तेरी तो एक मेरी का, तीन बॉल दो रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डब्बू की चौथी गेंद बल्लेबाज शिवाजी के लिए, आगे के खेलना चाहते थे और ये एक डिक्लेयर जोन की तरफ जाती हुई गेंद। निखिल पर्दा छोड़ने बोल दो, डिसीजन प्रॉब्लम होती है अभी। चार गेंदों में तीन रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे इस पारी का आगाज करते हुए टीम रॉयल गोलू जोगेश्वरी। डब्बू की अगली गेंद बल्लेबाज शिवाजी के लिए, आगे के खेलना चाहते थे, शानदार फील्डिंग वहां पे दीपल शाह और पच्ची के द्वारा, बहुत ही शानदार फील्डिंग, एक जगमगाता सितारा बॉक्स क्रिकेट की दुनिया का और बहुत ही बड़ा नाम दीपल शाह आपके सामने। तो आपके सामने अब आता हुआ अगला बल्लेबाज विराज, शानदार गेंदबाजी यहां पे डब्बू सूरज मिश्रा के द्वारा, पांच गेंदों में मात्र तीन रन दिए हैं और एक विकेट के नुकसान पर। अरे कमेंटेटर बना दिया भाई, क्या करूं, मेरा मैच छोड़ गया हूं, कोई है नहीं यहां पे भाई, मैं बोला आज संडे को दिखा ये शानदार गेंदबाजी सूरज मिश्रा के द्वारा। अगली बल्लेबाज विराज, हेडेड बॉल और एक बहुत ही बड़ा विकेट, तो काफी किफायती गेंदबाजी, मात्र तीन रन और दो विकेट। तो एक ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या हुई है तीन। अगला बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पे आपके सामने सुमित, एक बहुत ही अच्छे जाने माने हिटर बल्लेबाज सुमित। अंपायर अक्षय, एक मिनट, उत्तम अक्षय अक्षय स्टेज पे आना, अगले गेंदबाज उत्तम, मैन बिलोंग्स टू मलाड ईस्ट, एक काफी एक्सपीरियंस और तजुर्बे वाला गेंदबाज आपके सामने, तो स्ट्राइक लेते हुए स्वप्निल, फ्लैटेड बॉल, जैसा कि मैंने कहा कि काफी लंबा एक्सपीरियंस और काफी तजुर्बा, इन्हें काफी सारे मैचेस खेल चुके हैं और काफी सारी मलाड और बाहर की टीमों को रिप्रेजेंट करने वाले गेंदबाज उत्तम, तो उत्तम दर्जे की गेंदबाजी करते हुए और अपने अलग दर्जे की गेंदबाजी से मैच को अपने मैच की टीम के फेवर में लेके आते हुए गेंदबाज उत्तम, स्ट्राइक लेते हुए स्वप्निल, आगे आके खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में चूक वरना एक और विकेट आपकी झोली में होता, लेकिन शानदार गेंदबाजी, एक अच्छा मोमेंटम, अच्छे टप्पे और अच्छी गेंदबाजी से अपनी टीम की तरफ बनाए रखा है टीम जलसा मलाड ने।
तीन डॉट बॉल आगे के खेल दिया है फिर से, और यहाँ पे एक थोड़ी सी चूक दीपल शाह पच्ची के द्वारा, अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता लेकिन ये थोड़ा आउटफील्ड का यहाँ पे खामियाजा भुगतते हुए दीपल शाह चार बॉल यहाँ पे चार गेंदों में मात्र एक रन लुटाए हैं यहाँ पे अभी तक फिलहाल उत्तम ने। अगले बल्लेबाज सुमित काफी एक तेज तर्रार बल्लेबाज, काफी लंबे शॉट लगाने के लिए प्रतिष्ठित और कारपेट शॉट काफी अपने करियर में बहुत दफा बहुत बार इन्होंने पर्दा फाड़ चौका मारा है, तो देखना है कि उस चौके को इनके बल्ले से इस टूर्नामेंट में उसका आगाज दे पाते हैं नए बल्लेबाज सुमित। उत्तम की अगली गेंद बल्लेबाज सुमित के लिए, टैप करने का प्रयास और शानदार कीपिंग यहां पे, तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी। शानदार गेंदबाजी फिलहाल तक के लिए उत्तम के द्वारा। अगली गेंद उत्तम की आखिरी गेंद दिशा से भटकती हुई, बहुत ही अच्छा जज एक ऑफ ब्रेक पैर पे रखना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी यहाँ लाइन और लेंथ पे चूक और गेंद जाती लेग स्टंप के बाहर, रूल नंबर 25 वाइड करार दिया गया इसे। टैप शॉट एक रन के लिए, तो दो ओवरों की समाप्ति पे रनों की संख्या हुई है 6, मात्र 3 रन इस ओवर में लुटा है गेंदबाज उत्तम ने। शानदार गेंदबाजी, दो ओवर की समाप्ति पे रनों की संख्या 6, एक विकेट के नुकसान पर, एक लगभग लगभग देखा जाए तो बॉक्स क्रिकेट जहां पे 24 गेंदों का ये आपको गेम खिलाया जा रहा है, तो यहां पे एक एक रन काफी महत्वपूर्ण होते हैं अगर आपको इस लीग में इस मैच में इस टूर्नामेंट में और उस चमचमाती ट्रॉफी के पास जाने के लिए चाहिए तो। तो 6 डॉट गेंदे देखा जाए तो 12 गेंदे मात्र 6 रन अभी तक बनाया है टीम रॉयल गुलू ने। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था इसके पहले मैच में टीम रॉयल गुलू ने, एक मुंबई की प्रतिष्ठित टीम रॉयल चेंबूर को हरा के यहां पे अपना स्थान हासिल किया है। और हमारे बीच में हमारे इस टूर्नामेंट के सहयोग, जिनके सहयोग से हमारे इस टूर्नामेंट का आगाज और अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ एक शानदार प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ओम साई द्वारका माया ग्रुप आयोजित भव्य डे नाइट बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा मैं सतीश सानी जी का उनका आगमन इस हमारे मंच पर। अगले गेंदबाज आपके सामने विनोद यादव, एक नामचीन सितारा मैं कहूंगा कि मुंबई की जितनी भी प्रतिष्ठित प्रोफेशनल टीमें हैं सारी टीमों में इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, सारी टीमों में इन्होंने एक अपना अच्छा दमखम दिखाया, एक जाने माने प्रोफेशनल मलाड़ के नंबर। शानदार गेंदबाजी विनोद यादव के द्वारा, मलाड़ का एक नामचीन सितारा जिन्होंने मलाड़ के बाहर पूरे मुंबई में अपना पर्चा लहराया है विनोद यादव, एक जाने माने प्रोफेशनल ऑलराउंडर प्लेयर, एक रैंकिंग प्लेयर देखा जाए तो मुंबई के टॉप रैंकिंग में इनका नाम आता है विनोद यादव। शानदार यहां पे गेंदबाजी लेकिन थोड़ी सी खराब फील्डिंग सूरज मिश्रा के द्वारा। और हमारे बीच में, और ये एक टूर्नामेंट अपनी तरफ बढ़ता हुआ हमारे बीच में हमारे इस टूर्नामेंट के जिनके सहयोग से ये टूर्नामेंट होता हुआ सतीश साहनी जी उनके साथ में, तानाजी क्षीरसागर उनके साथ में, जीतू भाई, मंगेश भाई, सोनू भाई, सूरज भाई और इन्नू भाई, इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत।
आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, और यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में चूक सूरज मिश्रा के द्वारा, लेकिन एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और जाता हुआ एक बहुत ही बड़ा विकेट। ओम साई द्वारका माई ग्रुप आयोजित इस मालाड़ के प्रांगण में, जैसा कि यहाँ के लोगों को और हमारे इस मालाड़ में जितनी भी टीमें हमारे बॉक्स में खेलती हैं, तो अनएक्सपेक्टेड ये टूर्नामेंट, क्योंकि किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हो सकता है। तो काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी लंबे वक्त से काफ़ी सारी टीमों ने ये एक दमखम दिखाया था कि एक अच्छा टूर्नामेंट किया जाए, लेकिन जिनके सहयोग से ये टूर्नामेंट आज यहाँ पे हो रहा है, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा सतीश सानी जी का, उनके साथ में तानाजी क्षीरसागर, उनके साथ में जीतू भाई, मंगेश भाई, सोनू भाई, सूरज भाई, इन्नू भाई और निजाम भाई। तो बहुत ही बेहतरीन ये आगाज इस टूर्नामेंट का एक बेहतरीन अंजाम की तरफ जाता हुआ, शानदार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज विनोद यादव, अगली गेंद आगे आके खेल लेने का प्रयास, एक अच्छी लेग ब्रेक और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, एक और बड़ा विकेट। अंपायर से आर्ग्यूमेंट आप नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको दिए गए हैं पहले ही, तो अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल आपको मान्य करना होगा और गेम को आपको आगे बढ़ाना होगा। तो दो ओवर पांच बॉल रनों की संख्या 10 और एक नो बॉल, लेकिन काफी अच्छा दमखम पेश करते हुए गेंदबाज, अब तक मात्र तीनों ही गेंदबाजों ने काफी कम रन लुटाए हैं अपनी गेंदबाजी में, और एक अच्छा दमखम बनाए रखा है। मैच का जो मोमेंटम है अपनी टीम की तरफ बनाने में लगभग लगभग पूरी 100% यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से होती हुई टीम जलसा मलाड़, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे काफी दफा 6 बॉल 1 रन भी डिफेंड हो चुके हैं, तो देखना होगी कौन सा दमखम पेश करेंगे आने वाले बल्लेबाज। विनोद यादव की अगली गेंद, आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, ओवर की आखिरी गेंद, खेल दिया है इसे लेग साइड में कवर के बीच में जाती हुई गेंद, एक रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या हुई है 11 और एक शानदार यहां पे एक, जैसा कि मैं कह सकता हूं, स्टैंड लिया हुआ है टीम जलसा मालाड़ ने, काफ़ी एक पलड़ा भारी बनाए रखा है अपनी टीम जोगेश्वरी के सामने। तो रॉयल गोलू बनाम जलसा मालाड़ के बीच का ये मुकाबला फिलहाल तक के लिए एक जो मैच का मोमेंटम है, एक जो मैच की स्ट्रेटेजी है, और एक जो मैच का मैं कह सकता हूं दमखम है, जलसा मालाड़ ने बनाए रखा है 3 ओवरों में मात्र 11 रन, 3 ओवरों में मात्र 11 रन लुटाए हैं और काफ़ी सारे विकेट यहां पे डगआउट में लौट के आ चुके हैं। तो आप जो देखा जाएगा निचले ऑर्डर का एक जो दर्जा है, निचले ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, अब बल्लेबाजी के लिए आपके सामने है, तो आने वाली 6 गेंदों में देखना होगा कितने रन बटोर सकती है टीम रॉयल गोलू जोगेश्वरी। ओम साई द्वारका माई ग्रुप आयोजित ये भव्य दिव्य डे नाइट बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट मलाड़ के बॉक्स का वर्ल्ड कप, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा टूर्नामेंट, मैं कह दूं दोस्तों कि पूरे मलाड़ में नहीं लेकिन पूरे मुंबई में फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चलता हुआ एकमात्र टूर्नामेंट ओम साई द्वारका माई। आगे आके एक और विकेट, शानदार बाएं हाथ के गेंदबाज, एक अच्छी ऑफ ब्रेक अंदर की तरफ आती हुई, इसे पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज और एक और बड़ा विकेट। पहले उनका नाम कुछ और था, सफीक हो गए। टिंकू नाम था पहले। विकेट इधर कोई आ रहा ही नहीं, सफीक आउट नहीं हुआ, सफीक बॉलिंग कर रहा था। एक मैं बताता रुको, एक दो तीन चार पाँच छः, छः विकेट। तो यहाँ पे गेंदबाज सफीक, अब सफीक कुत्ता बिल्ली लिख दे, और यहाँ पे हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक चंद्रकांत माने और रोहित कजबे, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे टिंगू के द्वारा, बाएं हाथ के एक अच्छे साइड आर्म गेंदबाज, दोनों ही कटर करते हैं, दोनों ही कटर तरीके से गेंदबाजी करते हैं, अच्छा टप्पा इनका। अगली गेंद आगे आके खेलना चाहते थे लेकिन दिशा से भटकते हुए यहाँ पे एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बिल्ट नहीं कर पाई है, लेकिन आप एक्स्ट्रा देख के सामने वाली टीम को मैच में ला सकते हैं। तो एक रन व्हाइट के फलस्वरूप रूल नंबर 25 की तरफ से आता हुआ व्हाइट, तो रनों की संख्या बढ़ती हुई 3 ओवर 1 बॉल 12 रन 6 विकेट के नुकसान पर रॉयल गोलू जोगेश्वरी बनाम जलसा मालाड़ आउटर की प्रोफेशनल टीमों के बीच का ये मुकाबला।
खेल दिया है, इससे एक रन डिक्लेयर जोन की तरफ। सेंसिबल तरीके से बल्लेबाजी करते हुए ये निचले क्रम के बल्लेबाज, उन्होंने एक माइंडसेट किया हुआ है कि आप आने वाली पांच गेंदों में, चार गेंदों में, हर गेंदों में एक एक रन बटोरे और मैच को थोड़ा आगे ले जाएं, क्योंकि ये बॉक्स टूर्नामेंट है, 1-2-4 का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे काफी दफा देखा गया कि 30 गेंदों में, 24 गेंदों में 10 नहीं 5 रन भी काफी टाइम पे डिफेंड हुए हैं। तो अगली गेंद टिंकू की बल्लेबाज के लिए, और दिशा से भटकते हुए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई तो। तो यहाँ पे एक और वाइट आता हुआ, दो वाइट दे चुके हैं अभी तक गेंदबाज टिंकू। अरे इनु भाई साहब मत देखो यार, कमेंटेटर नहीं मिला इसलिए कर रहा हूँ, और मैं इधर मत देखो बुलाऊंगा। अगली गेंद टिंकू की बल्लेबाज के लिए, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, इस बार सटीक अनुमान, एक अच्छा लंबा टप्पा, अच्छा एक लेग ब्रेक अंदर की तरफ। आगे आके खेल दिया है और एक और यहां पे विकेट, एक सेंसिबल तरीके से बल्लेबाजी करते बल्लेबाज, रनों की संख्या को धीरे धीरे आगे लेके जा रहे थे, लेकिन उनका एक माइंडसेट कि आप आगे बढ़कर खेल के चार बटोर लें, क्योंकि आपका जिससे मैच है, जिस प्लेटफॉर्म पे और आप जिस टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, तो यहाँ पे खेलने वाली सारी टीमें प्रोफेशनल है, तो एक लंबा स्कोर आपको रखना होगा। चार बॉल हुए यहाँ पे और रनों की संख्या हुई है 13-14। आखिरी ये विकेट, आने वाली दो गेंदें डिसाइड करेंगी कि मैच किसके पक्ष में जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे 60-40 का रेशियो चलता हुआ। अगली गेंद टिंकू की बल्लेबाज के लिए, डॉट बॉल, शानदार गेंदबाजी, एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ है टीम रॉयल गोलू जोगेश्वरी पर, काफी सटीक गेंदबाजी। आखिरी गेंद, मैच डिसाइडर ये गेंद, एक गेंद अगर इस पे आप एक रन लेते तो आपको कंपलसरी चेस में एक रन और ऊपर आएगा। तो शानदार गेंदबाजी अभी तक के लिए टिंकू की। आखिरी गेंद, आगे आगे खेलने का प्रयास, और ये तीसरी टीम यहां पे काबिज होती हुई जिन्होंने ऑल आउट का दर्जा अपनाया है। तो यहां पे 14 रन, मतलब जीतने के लिए 15 रनों का लक्ष्य रखा है टीम रॉयल गोलू जोगेश्वर ने, टीम जलसा मलाड़ के सामने 24 गेंदों में 15 रनों का लक्ष्य आपके सामने यहां पे सेट किया है। अगर आपको इस मैच को जीतना है, अगर आपको इस चमचमाती ट्रॉफी को हासिल करना है, तो आपको 15 रन 24 गेंदों में हासिल करने होंगे। तो यहां पे रॉयल गोलू, एक तरीके से जैसा देखा जाए, इसके पहले आपने रॉयल चेंबूर मुंबई की, मैं कह सकता हूं, एक नामचीन प्रतिष्ठित टीम, एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल टीम, उससे काफी अच्छी गेंदबाजी से बांधे रखा था, उन्हें आपने हराया है। तो जिस तरीके से इनका बॉलिंग लाइनअप है टीम रॉयल गोलू का, तो ये 15 रन काफी मुश्किल भी हो सकता है अगर आप सटीक तरीके से गेंदबाजी करें। तो 15 रनों की जरूरत 24 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए। बोल रहा हूँ तो नहीं नहीं कर रहे थे, आए वैसे ही पूछा। कुछ अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पे 15 रनों का लक्ष्य जो सेट किया गया, उसके लिए बल्लेबाजी का भार संभालने आए आपके सामने एक वन ऑफ द बेस्ट, एक प्रोफेशनल सितारा, ना कि बॉक्स क्रिकेट लेकिन ओरम क्रिकेट का भी, रोहन सानलुके। काफी सारे वीडियोस इनके फेमस है यूट्यूब पे। तो आपके सामने पहली गेंद और एक ये
बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता था। जैसा कि मैंने कहा कि टीम रॉयल गोलू जोगेश्वरी की जो बॉलिंग लाइनअप है काफी सटीक गेंदबाजी करते हैं। इसके पहले मैच में उन्होंने एक वन ऑफ द बेस्ट टीम रॉयल चेंबूर को हराया है, तो ये 15 रन आप आसानी से बनाने देंगे नहीं, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं, ओम साइंस द्वारका माया ग्रुप आयोजित एक ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट, सबसे बड़ा धनराशि वाला ये टूर्नामेंट, तो आपके सामने ये 15 रनों का जो लक्ष्य आपने सेट किया उसे आप आसानी से चेस नहीं करने देंगे। तो पहली गेंद पे एक लंबा टप्पा एक अंदर आती हुई गेंद ऑफ ब्रेक पे छकाया बल्लेबाज रोहन सानलुखे को। अगली गेंद फिर से सेम गेंद लेकिन थोड़ी सी लाइन में यहां से चूक और गेंद जाती हुई एक रन डिक्लेयर जोन की तरफ। तो दो गेंद एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पे गेंदबाज शैलेश और रोहन सानलुखे को यहां बांधे रखा है ओम साईं द्वारका माई ग्रुप आयोजित। मैं कह दूं दोस्तों कल से ये टूर्नामेंट काफी चर्चा में है, एक आप जितने भी ग्रुप देखेंगे मलाड़ के और मलाड़ के बाहर के और पूरे महाराष्ट्र के, तो सारे क्रिकेटरों के ग्रुप में एक नामचीन प्रतिष्ठित टीम चलता हुआ काफी ज्यादा चर्चा में चलता हुआ ये टूर्नामेंट ओम साईं द्वारका माई ग्रुप आयोजित भव्य दिव्य डे नाइट बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट, मैं कह सकता हूँ कि मलाड़ बॉक्स का ये वर्ल्ड कप। तो अगली गेंद शैलेश की बल्लेबाज रोहन सानलुखे के लिए, चेक करते हुए यहाँ पे जो वरदान आपको दिया गया है आप एक चेक यूज कर सकते हैं इस बॉक्स क्रिकेट के रूल के हिसाब से, तो वो हिसाब से आपने चेक किया और बल्लेबाज के फ्रंट फुट और बैक फुट को आपने देखा है। अगली गेंद और ये बॉल जैसा कि एक क्रिकेट में रूल रखा गया है तो डेली दिया गया है, करार दिया गया है इसे हमारे बीच में इस टूर्नामेंट में सतीश साहनी जी उनके साथ तानाजी क्षीरसागर जीतू भाई मंगेश भाई सोनू भाई सूरज भाई इन्नू भाई और निजाम भाई, इनका हार्दिक स्वागत इस टूर्नामेंट में आपके सहयोग से इस टूर्नामेंट का एक अच्छा आगाज तो एक अच्छा अंजाम होता हुआ। अगली गेंद और एक बहुत ही बड़ा विकेट जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आप ये जो टूर्नामेंट जिस फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं, तो इस सामने की जो टीम है रॉयल गोलू ने इसके पहले हुए मैच में एक नामचीन प्रतिष्ठित टीम जो बैक टू बैक हर संडे या सैटरडे अगर आप उनके पोस्ट देखें तो कहीं ना कहीं पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं टूर्नामेंट जीती होती है, तो उस टीम को अपनी अच्छी गेंदबाजी से हराया है। तो ये 15 रन काफी मुश्किल साबित हो सकते हैं टीम जलसा मलाड़ के लिए जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं शैलेश, इनके बाद आने वाले गेंदबाजी काफी तेज तर्रार, तो अब बल्लेबाजी का भार संभालते एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल प्लेयर मैन बिलोंग्स टू मुंबई दीपल शाह। शैलेश की अगली गेंद बल्लेबाज दीपल के लिए, स्विप करने का प्रयास और एक डॉट बॉल, बहुत ही शानदार गेंद, यहां पे पहली ओवर का समापन हो चुका है। तो यहां पे मात्र एक रन दिए हैं गेंदबाज शैलेश ने, तो एक ओवर की समाप्ति पे रनों की संख्या एक एक विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही बड़ा विकेट रोहन सानलुखे के रूप में आ चुका है डगआउट की तरफ। तो अब स्ट्राइक लेते हुए एक वन ऑफ द बेस्ट वेल नोन प्लेयर इन बॉक्स क्रिकेट व्यवसायिक क्रिकेट का एक नामचीन सितारा विनोद यादव, तो उनका साथ देते हुए व्यवसायिक क्रिकेट का एक और नामचीन सितारा दीपल शाह। तो एक ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या हुई है एक विकेट के नुकसान पर, तो अब आने वाले 18 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, जैसा कि मैंने कहा था कि एक शानदार बॉलिंग लाइनअप, तो यहां पे वो बॉलिंग लाइनअप अपना दमखम दिखाता हुआ। अगले गेंदबाज चेतन, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा सतीश साहनी जी तानाजी क्षीरसागर जीतू भाई मंगेश भाई सोनू भाई सूरज भाई इन्नू भाई और निजाम भाई का कि आपके इस सहयोग और इस योगदान से वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इज हैपनिंग इन मलाड़ काफी ज्यादा चर्चा में। पिछले दो दिनों से जितने भी आप ग्रुप और जितने भी सोशल मीडिया देखेंगे तो सारी जगह पे काफी चर्चे में चलता हुआ ये टूर्नामेंट, तो बेहतरीन आगाज और एक अच्छे अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ ये टूर्नामेंट। अगले गेंदबाज चेतन, बल्लेबाजी संभालते विनोद यादव, आगे आके खेलने का प्रयास और एक बहुत ही बड़ा विकेट एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसके फलस्वरूप एक और बड़ा विकेट जाता हुआ डगआउट की तरफ।
बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला। जैसा कि मैंने कहा कि दोस्तों ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट होता हुआ मालाड़ की नहीं, मुंबई की सारी नामचीन प्रतिष्ठित रैंकिंग टीमें यहाँ पे आपके सामने खेलती हुई। मैंने पहले इनिंग में आपको कहा था कि टीम रॉयल गोलन, इसके पहले टीम रॉयल चेंबूर को बहुत ही शानदार गेंदबाजी से हराया है, तो 15 रन काफी मुश्किल तरीके से आप देंगे, तो वही दमखम यहाँ पे पेश करती हुई टीम रॉयल गोलू के गेंदबाज चेतन और शैलेश। पहली ओवर में शैलेश ने यहाँ एक रन लुटाया था, तो अगली ओवर में पहली गेंद पे यहाँ पे चेतन ने पहला विकेट लिया। अगले बल्लेबाज अभिषेक, एक और नामचीन सितारा जलसा मालाड़ का, एक बहुत ही जूना और बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सपीरियंस वाला प्लेयर आपके सामने। तो एक ओवर एक बॉल दो विकेट के नुकसान पर मात्र एक रन अभी तक स्कोरबोर्ड पे। अगली गेंद चेतन की, बल्लेबाज अभिषेक के लिए, फेंक कर दिया हाई से लेग साइड में एक रनों के लिए। सेंसिबल तरीके से खेलना हो अगर आप इस मैच में, अगर आपको बने रहना है और एक लक फैक्टर भी कभी कभी साथ में आपका साथ आता है, तो देखना है कि किस माइंडसेट से टीम जलसा अपनी इस बैटिंग को, अपने स्कोर को चेस करती है। हमारे बीच में नीरज शुक्ला जी, इनका भी हार्दिक स्वागत, जाने माने बॉक्स और ओवरम क्रिकेटर। राजू भाई हमारे रणजी के प्लेयर, इनका भी हार्दिक स्वागत। अगली गेंद चेतन की, बल्लेबाज अभिषेक के लिए, हटके खेलने का प्रयास, टैप शॉट जाती हुई एक रन डिक्लेयर जोन की तरफ। एक सेंसिबल तरीके से इस रन को आगे बढ़ाते हुए, इन्हें पता है कि शानदार गेंदबाजी का इनका लाइनअप है, तो उसी लाइनअप को भुनाते हुए यहाँ पे और उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए जलसा के। और हमारे बीच में पोपट कस्बे जी, इनका हार्दिक स्वागत। ओम साइंस द्वारका माय ग्रुप आयोजित, जैसा कि दोस्तों मैं कहूं कि हमारी काफ़ी सारे लिंक्स, और जैसा कि हमने देखा कि कुछ नामचीन क्रिकेट के ग्रुप्स हैं, तो एक नामचीन प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पहला ये साल, लेकिन बेहतरीन तरीके से इसका आगाज हुआ है और एक अच्छे अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ। अगली गेंद चेतन की, बल्लेबाज अभिषेक के लिए, सामने की तरफ खेल दिया था, कैच हो सकता था, अगर ये कैच आप ले लेते तो एक अच्छा मोमेंटम आपकी टीम की तरफ यहाँ पे आ जाता। हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के, हमारे इस टूर्नामेंट सहयोग और योगदान के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा सतीश साहनी जी का, तानाजी क्षीरसागर जी का, जीतू भाई का, मंगेश भाई का, सोनी भाई का, सूरज भाई का, इन्नू भाई का, निजाम भाई का और नीरज शुक्ला जी का, और हमारे इस टूर्नामेंट के बेहतरीन आयोजक चंद्रकांत माने और रोहित कस्बे, इनके साथ में सारे टीम वर्क और सारे लोकल बॉयज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरीके से आपने इस आउटफील्ड को चेंज किया है, खेलने की पोजीशन में जरा भी नहीं था ये ग्राउंड, लेकिन जिस तरीके से आपने इसे कन्वर्ट किया है, तो एक बहुत ही बड़ी बात हमारे इस मालाड़ के लिए, क्योंकि मालाड़ में वेरी फर्स्ट टाइम ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतनी बड़ी धनराशि वाला, काफ़ी सारी टीमें मालाड़ से बिलोंग करती हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना दमखम पेश किया है, लेकिन आज तक इतना बड़ा टूर्नामेंट इस मालाड़ में ना तो किसी पार्टी ने किया, ना तो किसी टीम ने किया, तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ। और हमारे बीच में यहाँ पे पोपट श्रीमान, हमारे पोपट कस्बे जी, हमारे जितने भी अतिथिगण आए हैं सबका अब यहाँ पे सत्कार करेंगे। हमारे पोपट कस्बे जी से मैं निवेदन करूँ, हमारे सारे अतिथिगण का यहाँ पे आप सत्कार करें, एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट हैपनिंग इन मलाड, ओम साइंस द्वारका माय ग्रुप आयोजित डे नाइट बॉक्स क्रिकेट ये टूर्नामेंट। अगली गेंद चेतन की, बल्लेबाज अभिषेक के लिए, अंपायर का इशारा, डॉट बॉल, अंदर की तरफ आती गेंद बल्ले से दूर रखने का प्रयास, एक शानदार सटीक सेट, अरे माँ बेहतरीन ये टूर्नामेंट, बेहतरीन ये आगाज। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सतीश साहनी जी का और इनके साथ में चंद्रकांत माने जी, रोहित कस्बे जी, तानाजी क्षीरसागर, जीतू भाई, मंगेश भाई, सोनू भाई, सूरज भाई, इन्नू भाई, निजाम भाई और नीरज शुक्ला जी का। और यहाँ पे पोपट कस्बे जी, श्रीमान पोपट कस्बे जी हमारे सारे अतिथिगण का सत्कार करते हुए। दो मिनट के मैच हो जाए, थैंक यू डीजे। तो शानदार गेंदबाजी करते हैं यहां पे गेंद,
शानदार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चेतन एक अच्छा दमखम पेश करते हुए एक मोमेंटम अपनी टीम की तरफ बांधे रखा है टीम रॉयल गोलू मालाड ने। यहां पे जोगेश्वरी का थोड़ा पल्ला भारी होता हुआ मालाड पर, लेकिन काफी अच्छी टीम मालाड की जलसा। अगली गेंद चेक करते हुए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए आपको एक अलाउ किया गया है, इसके बाद अगर आप करते हो पेनल्टी दी जाएगी। अगली गेंद और इसे रखने का प्रयास ऑफ की दिशा में, लेकिन एक स्लोअर गेंद जिसे रीड करके इन्होंने एक रन ढकेल दिया है। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन मुकम्मल होता हुआ। मैं अंपायर से गुजारिश करूंगा कि एक मिनट के लिए मैच रोका जाए हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के, हमारे जिनके योगदान से इतना बड़ा। मैच चलने दो अंपायर, ये दो ओवर के बाद। ओम साई द्वारका मै ग्रुप आयोजित तो मलाड का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट बहुत अथक परिश्रम के, मैं कहूंगा कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा हमारे इस ग्राउंड्समैन का। यहाँ जो जामरूसी के रहने वाले लोकल लड़के, उन्होंने काफी मेहनत की है। दो तीन दिन टूर्नामेंट तो दो दिन का होता है, लेकिन एक हफ्ते से जो इन्होंने मेहनत की है उसके परिणाम स्वरूप आपके सामने एक अच्छा विकेट, एक अच्छा आउटफील्ड, एक अच्छा एटमॉस्फियर जहां पे आप इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं। तो मलाड का सबसे बड़ा धनराशि वाला ये टूर्नामेंट, पहली बार मलाड के बॉक्स का वर्ल्ड कप। तो आपके सामने अगले गेंदबाज विराज, बल्लेबाजी का भार संभालते हुए अभिषेक। दो ओवर मात्र चार रन स्कोर बोर्ड पे यहां पे अभी तक काबिज किए हैं। तो दो ओवर में चार रन मात्र यहाँ पे दिए हैं, तो आने वाली 12 गेंदों में 11 रन यहाँ पे अब हासिल करने होंगे जिस तरीके से फिलहाल तक के लिए बल्लेबाजी हुई है। तो एक दबाव बनाए रखा है टीम जोगेश्वरी की रॉयल गोलू ने टीम जलसा मलाड पर। आने वाली 12 गेंदे 11 रन आप दूर हैं उस सेमीफाइनल से, उस चमचमाती ट्रॉफी से। तो अगली गेंद विराज की बल्लेबाज अभिषेक के लिए, स्वीप कर दिया है एक रन के लिए। धीरे धीरे इस कैलकुलेटिव तरीके से गेम को आगे बढ़ाते हुए देखना होगा किस माइंडसेट से बल्लेबाज उतरे हैं अभिषेक और विनोद यादव। विराज की अगली गेंद बल्लेबाज अभिषेक के लिए, आगे बढ़ के खेल दिया है दो रनों के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास, काफी लंबा तजुर्बा इस बल्लेबाज को, काफी लंबा एक्सपीरियंस बॉक्स क्रिकेट खेलने का। तो दो रन मुकम्मल किए हैं यहां पे, तो शानदार बल्लेबाजी, दो रन यहां पे मुकम्मल किए हैं इस बेहतरीन कवर ड्राइव से, अपने इस बेहतरीन शॉट से। एक अच्छा खासा दबाव बनाता हुआ ये बल्लेबाज अभिषेक, जिस तरीके से उनका बल्ला फिलहाल के लिए बोला है, अगर उस तरीके से कंटिन्यू बोलता रहेगा तो मुझे जहां तक लगता है कि पहले काफी मैचेस में इतनी अच्छी बल्लेबाजी की अभिषेक की, उन्होंने 6 गेंदों में 16 रन, 6 गेंदों में 20 रन का भी यहां पे टारगेट चेस किया है। 10 बॉल चाहिए तो 10 गेंदों में अब 8 रनों की जरूरत। अगली गेंद विराज की बल्लेबाज अभिषेक के लिए, और ये मिलता हुआ भाग्य का साथ, जो मैच दूर जा रहा था लेकिन वो एक, मैं कह सकता हूं कि एक जैसा कि ग्राउंड सपोर्ट होता है एक लोकल टीम को, तो जलसा टीम हमारे इस मलाड से बिलोंग करती है। तो 2 रन बैक टू बैक, पहली गेंद पे एक वहां पे स्वीप, 1 रन, उसके बाद कवर ड्राइव, उसके बाद कवर ड्राइव, तो 3 गेंदों में 5 रन यहाँ पे हासिल कर लिए हैं बल्लेबाज अभिषेक ने। पलड़ा होता हुआ भारी जलसा मलाड का जोगेश्वरी पर।
देखो अच्छा ये। और हमारे बीच में इस टूर्नामेंट में इस बेहतरीन हमारे इस टूर्नामेंट में यहाँ पे आगमन होता हुआ प्रमोद सिंह का, प्रमोद यादव जी का और उनके साथ में उपेंद्र सिंह का हमारे क्लासमेट। कितना कितना चाहिए, कितना कितना चाहिए? तो आने वाली 8 गेंदों में 5 रन यहां पे हासिल करने की टीम जलसा मलाड को। मैं निवेदन करूंगा पर्दा छोड़ के खड़े रहो। यहां चेक करते हुए 8 गेंदों में अब 5 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल के लिए। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, 2 कवर ड्राइव जो इन्होंने लगाया था अभिषेक ने, तो एक प्रेशर बिल्ड कर लिया बल्लेबाज को, बल्लेबाज ने जिस तरीके से मजबूर किया है लंबा रखने का प्रयास। व्हाइट बॉल, अगली गेंद हटके खेलने का प्रयास और एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और एक अच्छा फिटनेस अभिषेक का। तो मैच बढ़ता हुआ आगे की तरफ जाता हुआ अगली गेंद। अंपायर हमारे मैच ऑफिशियल्स अक्षय चिंदरकर का इशारा व्हाइट बॉल, कितना चाहिए? 2-2 बॉल पे 7-2। तो 7 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। आगे के खेल दिया है और जाता हुआ ये अंपायर का इशारा आउट। एक मारने के प्रयास में आप एक विकेट ले बैठे, तो आने वाले 6 गेंदों में अब 2 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। क्वार्टर सेमीफाइनल मुकाबला, तो अगला बल्लेबाज आपके सामने। तो अगला गेंदबाज आपके सामने विपिन, अगले बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे आपके सामने एक नामचीन सितारा, एक बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज विपिन। तो गेंदबाजी का भार संभालते हैं यहां आए हैं, 2 रन डिफेंड करने के लिए यहां पे गेंदबाज लेके आए हैं शिवाजी, मैन बिलोंग्स टू गोरेगांव। तो देखना है कि ये 2 रन किस तरीके से डिफेंड कर पाती है ये टीम। छह बॉल 2 रन आप दूर हैं उस चमचमाती ट्रॉफी और उस सेमीफाइनल के लिए। तो अगली गेंद शिवाजी के, बल्लेबाज अभिषेक के लिए, टैप कर दिया है गेंद को, गेंद जाती 1 रन के लिए। तो अब मात्र 1 रन दूर हैं और इसके बाद हमारे श्रीमान पोपट कस्बे जी के हाथों हमारे सारे अतिथिगण, हमारे सारे गेस्ट का यहाँ पे स्वागत होगा। काम कर, 4 गेंदे 1 रन, 4 बॉल में अब 1 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। टीम जलसा मलाड अग्रसर होते हुए सेमीफाइनल की तरफ। स्वीप कर दिया है और इस 1 रन के साथ ये मलाड की एक प्रोफेशनल टीम जाती हुई सेमीफाइनल। सम्मान चिन्ह आप अपना लेके जाएं, मैं चंद्रकांत माने जी को निवेदन करूंगा कि आप सम्मान चिन्ह। और हमारे बीच में हमारे श्रीमान पोपट कस्बे जी के द्वारा यहाँ पे सम्मान होता हुआ हमारे सारे अतिथिगण का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे सारे अतिथिगण का आपके सहयोग से एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट जो आज मलाड में हो रहा है। अंदर
करा अंदर करेंगे। ए चंद्रू हां भाई इधर ही भाई सब मोमेंटो ले सम्मान से सबको अंदर ही हां YouTube लाइव करा भाई हाथ में दो करा ग्राउंड वर्क ग्राउंड पहले उनको टीम वाले को तो दे दो। हां हां ग्राउंड में देखना कौन तू ले रहा है आप जाना समझ ना एर साथ वहां से सम्मान छीन ले एक ले ले मेरे को ही दे दे एक ले रॉयल बोलू अरे ये लाला की दिया दिया अच्छा ओ इन्नू भाई तुमको भी काम है क्या अभिषेक जिम ट्रेनर सम्मान दे दे। ए, लिया? ये भी क्या लिया?